गाइस, वेलकम बैक टू मायरा के ब्लॉग्स। तो अभी का सीन ये है कि जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया कि हम क्रिश को डिस्चार्ज करके घर पे लेके आ चुके हैं, तो आज वो दिन है। मतलब 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसको दर्द में देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम क्रिश को फिर से हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। अभी मुझे एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस पैर में उसका ऑपरेशन हुआ है उस पैर में हमें 2-2 दिन पे जाके बैंडेज करवाना होगा, मतलब पट्टी चेंज करवानी होगी। तो उसके लिए डॉक्टर ने बुलाया है कि वो साफ वाफ करके और उसका पट्टी जो उसके पैर पे अभी हो रखी है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि अभी प्लास्टर नहीं हुआ है। जिस पैर में ऑपरेशन हुआ है, जिसमें रॉड डला है, उसमें अभी प्लास्टर नहीं किए हैं। 2 महीने तक वो पहले बैंडेज करेंगे, उसको साफ कर करके बैंडेज करेंगे, जब तक उसका कांटा जो कट लगा है ऑपरेशन का वो सूख नहीं जाता। और जैसे ही वो सूखने लगेगा फिर 2 महीने बाद उसको जो रॉड डाला है वो रॉड निकालेंगे और निकाल के प्लास्टर कर देंगे। तो अभी 2 महीने तक हमें हर दो दिन पे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, ठीक है, जब तक डॉक्टर बोल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि पैर की हड्डी बहुत ज़्यादा टूटी हुई है और रॉड डला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं हॉस्पिटल में ही देखूंगा, घर पे मैं किसी कंपाउंडर को भेज के पट्टी नहीं करा सकता क्योंकि ऑपरेशन की चीज़ है। और ऐसा केस मेरे पास बहुत ही अजीब सा ख़तरनाक सा केस आया है जिसमें क्रिश की हड्डी टूटी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसमें रिक्स नहीं ले सकता हूँ, वैसे भी बारिश का मौसम है, ठीक है, फंस ना आ जाए, इसलिए मुझे उसको खुद साफ करके और उस पर बैंडेज करना होगा, पट्टी करनी होगी। तो इस वजह से हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, डॉक्टर 3 बजे आते हैं महेंद्रू हॉस्पिटल में और हम 2:30 बजे तक एम्बुलेंस बुला के हम जाएंगे। तो एम्बुलेंस को मैंने फ़ोन किया है, ठीक है, 1-2 नंबर पर मैंने फ़ोन किया है। पहले जो हम जो क्रिश को लेके हम घर आए थे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में, वो एम्बुलेंस हमें हॉस्पिटल वालों ने दिया था तो वो हॉस्पिटल वालों ने हमें एम्बुलेंस दिया था। अब हमें ले जाने के लिए गूगल से या फिर अच्छे, मतलब जिसमें कम से कम रेट में काम हो जाए, वो मैं ढूंढ रही हूँ और ढूंढ के मैं फ़ोन करके बुलाऊँगी, फिर उसको लेके जाएंगे। और मतलब 4-5 लोग लगते हैं उसको उठाने में, क्योंकि उसके पैर जो है ना वो ऐसे करके उठाना पड़ता है, उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और मेरी गली भी पतली सी है कि एम्बुलेंस गेट तक नहीं आ सकता, तो फिर वो बेड लेके आते हैं फिर लेके जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है गाइस, सच में बहुत मुश्किल होता है। बस दुआ करो कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। बाकी मैं चलती हूँ और आगे आपको दिखाती हूँ घर। गाइस, क्रिश और सुशांत एम्बुलेंस से आ रहे हैं और मैं मम्मी को लेके स्कूटी से आई हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके साथ भी किसी का होना ज़रूरी है। और मैं और मम्मी स्कूटी से आए, एम्बुलेंस में ज़्यादा जगह नहीं थी तो हम दोनों पहले पहुँच गए थे। मम्मी नीचे डॉक्टर से मिलने गई हैं और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ क्रिश का। यहाँ पर डॉक्टर हमें वेट करने को बोल रहे हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग 3 बजे की थी और हम यहाँ पर 2:30 बजे ही पहुँच गए थे ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो वो बोले हैं कि आप ऑपरेशन थिएटर में चलो, मैं आता हूँ। तो यहाँ पर सारे आ गए हैं उसको क्रिश को ले जाने के लिए और उसको अभी से दर्द होने लगा है क्योंकि गैस हमने घर पर रखा हुआ था ना 2 दिन से, तो वो बेड पर था, हिलना हो नहीं रहा था उसका। अभी उसको एम्बुलेंस में ले जाना लाना, तो उसको मतलब उसका पैर हिल गया है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। मतलब मेरे को रोना आ रहा है पर मैं रो भी नहीं सकती। अगर मुझे रोता हुआ देखेगा ना तो उसको और बुरा लगेगा। कहते हैं ना कि पेशेंट के सामने रोना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको देख के और फील करने लगते हैं और दर्द उनको महसूस होने लगता है, तकलीफ़ होने लगती है। तो बस वही मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ और उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं।
सो गाइस, क्रिश को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हुए हैं पट्टी चेंज करने के लिए, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसको, दर्द में, इतने दर्द में देख के। सो गाइस, एक तो क्रिश को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, और उसको इतना ज़्यादा पेन किलर भी नहीं दे सकते हैं। और डॉक्टर ने हमें 2:30 बजे ही बुला लिया था, ठीक है, कि मतलब 3 बजे की उनकी टाइमिंग है, हम खुद 2:30 बजे आ गए थे, पर वो आ ही नहीं रहते। अभी 4:30 बज चुके हैं और क्रिश ऑपरेशन थिएटर में वेट कर रहा है। पूरे 2 घंटे से हम बैठे हुए हैं। एक तो वो रोए जा रहा है, ऊपर से मतलब डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं, तो हम उसके पास थोड़ा उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा खुश खुश रहे। वो कह रहा है कि मत जाओ मेरे यहाँ से। और पहले मम्मी इसके पास आई थी, पर मम्मी को देखा नहीं जा रहा था, उसको इतनी तकलीफ़ है, तो मम्मी बाहर चली गई। फिर उसने कहा कि तू रुक जा मिट्टू, तू मत जा, मतलब मेरे पास रुक जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तब बदतमीज़ है, क्रिश के लिए पानी मंगा के खुद पी गया, शर्म नहीं आ रही होगी, है ना गाइस? इसको भी टाइफाइड और डेंगू हो रखा है, देखो इसके हाथ पे। अभी ये पानी चढ़वा रहा था हॉस्पिटल में, डॉक्टर को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और क्रिश को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसको हंसाने की हम कोशिश कर रहे थे कि उसका ध्यान थोड़ा सा भटके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। इसको ड्रेसिंग कराने आए थे जिस पैर में इसका ऑपरेशन हुआ है, और डॉक्टर ने हमें 3 बजे बुलाया था, और अभी तक कोई अता पता नहीं है डॉक्टर का, और ये दर्द से तड़प रहा है। सो गाइस, क्रिश का ड्रेसिंग हो चुका है और बहुत पेन में था ये, क्योंकि फिर से उस चोट को हिलाया गया ना, इधर से उधर लेके, घर से आना जाना, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना, तो ये इतने ज़्यादा दर्द में था ना, फिर घर पे लाके इसको सेट करना। हम तो अलग अलग तकिया लगा के देख रहे थे कि उसको कौन से तकिए के ऊपर मतलब दर्द नहीं हो रहा है, तो बार बार पैर को हटा के तकिया सेट करना, और बहुत मुश्किल हो रही थी गाइस, बहुत तकलीफ में इस टाइम पे ये, इसकी पैर की हड्डी आप समझ सकते हो, मैंने एक्सरे लगाया था लास्ट व्लॉग में, आपने देखा होगा इसको कितनी तकलीफ़ हो रही है। बस जल्द से जल्द, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी ये व्लॉग देख रहा है, प्लीज़ क्रिश के लिए दुआ करो ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और पहले जैसा हो जाए। बाकी हम तो इसका ध्यान रख ही रहे हैं, मुझे अपने भाई को देख के बहुत बुरा लग रहा है ऐसे। बस भगवान से यही दुआ है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इसको ज़्यादा दर्द। एक बार समझा दो, कौन सी दवाई है? लिख दी है, सिंपल है, लिखा हुआ है सुबह खाली पेट, ठीक है, लिखा हुआ, और ये दोपहर को, ठीक है, जिसमें 00 है सुबह शाम, ठीक है, बस यही है। खाना खाने के बाद ना सारी दवाई खाने के बाद खाने। सो गाइस, क्रिश को अच्छे से सुला के हम लोग उसकी दवाइयाँ लेने आए थे, इंजेक्शंस दवाइयाँ, और आप बिल देख सकते हो कितने का बना था, पर कोई बात नहीं, जितना भी पैसा लगे मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए।